हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा और रिव्यू करूंगा ORS का JRZ ST01 इलेक्ट्रिक गिटार, जो कि मैंने अमेजोन की सेल में लिया है करीब 4,500 रुपए का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गिटार मुझे इतना सस्ता कैसे पड़ा और देखेंगे कि क्या 5,000-5,500 रुपए की प्राइस रेंज में ये गिटार वर्थ है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको सस्ता इलेक्ट्रिक गिटार खरीदना है तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाता है वह है ORS का इलेक्ट्रिक गिटार, जो कि करीब 5,500 रुपए का आता है। अभी अमेजोन की सेल लगी थी 24 से 28 अक्टूबर के बीच, उसमें यह गिटार मिल रहा था करीब 5,000 रुपए का और उस पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ का डिस्काउंट था ICICI और सिटी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पे। तो मैंने इस पे एक्स्ट्रा वो 10% डिस्काउंट लिया और मुझे करीब पड़ गया 4,500 रुपए का। तो काफी अच्छी डील है अगर देखा जाए 4,500 रुपए में, तो बहुत डिसेंट सा एकॉस्टिक गिटार आता है और 4,500 में यहाँ पे मेरे को मिल गया है एक इलेक्ट्रिक गिटार। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या ये गिटार 5,000-5,500 रुपए की प्राइस रेंज में भी वर्थ है कि नहीं। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है, देखते हैं कि कैसी पैकेजिंग करी है सेलर ने। तो इसमें कोई भी डबल पैकेजिंग नहीं है, जैसे कि यूजुअली कुछ कुछ जो गिटार्स होते हैं वो डबल पैकेजिंग में आते हैं, ये एक सिंगल पैकेजिंग में आया है। तो सिर्फ एक बाहर जो है ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसके अंदर सीधा ही गिटार जो है कवर में पड़ा हुआ है। बहुत बेसिक सी पैकेजिंग है। तो देखते हैं कि गिटार की क्वालिटी कैसी है और कोई डैमेज है कि नहीं। तो ठीक है, कवर थोड़ा सा पैडेड है, एक बार खोल कर देखते हैं कवर को। गिटार जो है काफ़ी लाइट वेट है इलेक्ट्रिक गिटार के हिसाब से, और देखिए मैं ऐसे खोल कर दिखाता हूँ। तो ये रहा गिटार, और कवर की अगर बात कर लें तो बहुत ही थिन पैडिंग है, ऐसा नहीं है कि ज़रा से भी नहीं है पैडिंग, लेकिन बहुत थिन पैडिंग है इलेक्ट्रिक गिटार के हिसाब से। तो ठीक है, बहुत डिसेंट सा कवर है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है। और अगर आपको कैरी करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा डिसेंट कवर लें, वैसे ये भी चल जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेटर कवर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके साथ कुछ फ्री एक्सेसरीज मिलती है, एक बार इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले गिटार को देख लें कि गिटार कैसा है। तो मैंने जो ये गिटार है सनबर्स्ट कलर में लिया, क्योंकि मुझे यही काफ़ी पसंद आ रहा था, जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन था देखने में सनबर्स्ट और ब्लैक पिकगार्ड का। तो ये रहा ये इलेक्ट्रिक गिटार, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो फिनिश वाइज जो है काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, आगे सनबर्स्ट है लेकिन पीछे सनबर्स्ट कलर नहीं है। तो चलिए फटाफट एक बार इसको मैं देख लेता हूँ, ओवरऑल इसको चेक कर लेता हूँ। तो ओवरऑल जो इसकी क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट है, मतलब प्राइस जो है करीब अगर 5,500 का भी लेते हैं तो उस हिसाब से जो क्वालिटी है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। और ये जो है एकदम आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये फेंडर स्ट्रैट की रेप्लिका है, एग्जैक्टली पूरा इन्होंने कॉपी कर रखा है। तो ओवरऑल जो गिटार है काफ़ी डिसेंट है, हल्के फुल्के एक दो जगह ऐसा है जहाँ पे डेंट पड़े हुए हैं छोटे से, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो हार्डवेयर है गिटार का वो भी काफ़ी डिसेंट है, जो नॉब्स हैं वो ठीक हैं, और जो ब्रिज है वो भी सही है, यहाँ पे आपको एक ट्रेमेलो ब्रिज मिल जाता है। लेकिन ये गिटार आता है सिंगल कॉयल पिकअप कॉन्फ़िगरेशन में, तो तीनों पोजीशंस में आपको जो है सिंगल कॉयल पिकअप्स मिल रही हैं। तो ये गिटार क्लीन साउंड्स के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन डिस्टॉर्शन में ये ज़रूर दिक्कत करेगा। इस गिटार के साथ आपको मिल जाती हैं कुछ फ्री एक्सेसरीज, तो एक तो आपको मिल जाता है ट्रेमेलो लीवर, जो कि देखने में एकदम वैसे ही है जैसे फेंडर का होता है, और एक केबल मिल जाती है, ये बहुत बेसिक सी केबल है। और मैं कहूँगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक गिटार को बजाना है अच्छे से और आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक डिसेंट सी ब्रांडेड केबल लें, क्योंकि ये केबल थोड़े टाइम चलेगी, थोड़े टाइम बाद शायद ख़राब हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कितना चल पाएगी। ये एक तरीके से एक टेस्टिंग केबल होती है कि सिर्फ आप गिटार चेक कर रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं, तो जितना टाइम आप चला सकते चला लें चाहें, लेकिन एक ब्रांडेड केबल ज़रूर लें। और इसमें दो एलन कीज मिल जाती हैं, तो एक छोटी एलन की है पतली वाली, जिससे कि आप इसका जो ब्रिज होता है
ये जो ब्रिज में सैडल्स हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं छोटी वाली एलन की से, और जो ये दूसरी एलन की है जो मोटी वाली है ये है ट्रस रॉड एडजस्ट करने के लिए। और साथ में आपको मिल जाती है कुछ पिक्स, तो पिक्स भी एक बार देख लेते हैं किस क्वालिटी की हैं। तो इसमें दो पिक्स मिली हैं और पिक्स ठीक है, 0.46 mm की है तो काफ़ी पतली पिक है। मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रिक गिटार के लिए आपको पिक चाहिए होती है वो करीब 1 mm की तो हो, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए क्योंकि तभी जो है प्ले करने में मज़ा आता है इलेक्ट्रिक गिटार। तो ये एकॉस्टिक के लिए ठीक है बट इलेक्ट्रिक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी सी मोटी पिक खरीदें। चलिए एक बार फटाफट इसको ट्यून कर लेते हैं। तो मैंने गिटार ट्यून कर लिया है, ट्यून हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ट्यूनिंग भी थोड़ी स्टेबल ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो ये कि आउट ऑफ द बॉक्स जो एक्शन है गिटार का वो काफ़ी हाई है, इसमें काफ़ी दिक्कत होगी प्ले करने में क्योंकि स्ट्रिंग्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं और जो है इसका नेक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि एज अ बिगनर जब कोई इलेक्ट्रिक गिटार लेता है और ऑनलाइन ले रहा है तो चेक भी नहीं कर सकते, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो एक्शन है वो एकदम सही होना चाहिए, सेटअप एकदम प्रॉपर होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो फटाफट मैं इसका एक बार एक्शन एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ओवरऑल जो है इसका सेटअप कैसा है। तो मैंने इस गिटार का सेटअप कर दिया है और आराम से होगी ट्रस रॉड एडजस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक्शन अब एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है प्लेइंग में, अब कंफर्टेबल लग रहा है प्ले करने में। बस जो मुझे चीज़ ठीक नहीं लग रही वो है स्टॉक स्ट्रिंग्स, तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप थोड़ी अच्छी स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं जैसे डिडारियो या अर्नी बॉल की, और उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो एक बार जो है इसका ट्रेमोलो लीवर भी लगा कर देख लेते हैं कि आराम से लग जाता है कि नहीं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा दिक्कत सी हुई लेकिन आराम से लग गया। तो ट्रेमोलो लीवर भी काफी डिसेंट है, एक बार इसको मैं साउंड चेक में भी यूज करके दिखाऊंगा और ओवरऑल जो है सही है गिटार। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इस गिटार में आपको मिल जाती है लिंडन वुड बॉडी, मेपल नेक, इसमें आपको मिल जाता है एक बोल्ट ऑन नेक जॉइंट, रोजवुड फ्रेट बोर्ड और इसमें आपको मिल जाते हैं 22 फ्रेट्स। तो चलिए इस गिटार का साउंड चेक करते हैं। Thank you.
साउंड वाइज मेरे को ये गिटार अच्छा लगा। क्लीन साउंड भी इस गिटार की अच्छी है, डिस्टॉर्शन में भी काफ़ी डिसेंट साउंड करता है, क्योंकि इसमें सिंगल कॉइल पिकअप्स है तो थोड़ी बहुत हमिंग नॉइस आएगी आएगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल मेरे को गिटार प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये मेरा इनिशियल रिव्यू है, क्योंकि इस गिटार को मैं टेस्ट करना चाहूँगा, चेक करना चाहूँगा कि आने वाले महीनों में ये कैसा साउंड करता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी रहती है। अब क्योंकि ये गिटार सस्ता है, ORS का है, तो थोड़ा सा मैं क्वालिटी को डाउट करता हूँ। और जैसे कि अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस एकॉस्टिक गिटार में रह चुका है कि सस्ता गिटार इनिशियली तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े टाइम में उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक गिटार के साथ भी मैं देखना चाहूँगा कि लॉन्ग रन में ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो इनिशियली मैं आपको कहूँगा कि ये गिटार अच्छा है, अगर आप लेना चाहते एक सस्ता गिटार तो आप ये खरीद सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।